सभी भाइयों को मेरी राम राम। हाँ, ये बाढ़ के बाद से खेतों में बहुत ज़्यादा मिट्टी के टीले खड़े हो गए थे, तो इसलिए खेतों को लेवल किया जा रहा है। है दोस्तों, ये देखो, ये तो चल रहा हमारा ओल्ड आइसर 368, ये लगभग 20-25 साल पुराना ट्रैक्टर है जिसपे हमारे चाचा श्री बैठे हैं, और ये चल रहा 380 सादा माजे में, मुस्करा रहे हैं चाचा। और वो लेवलर, लेवल के लिए 855 में। और ये रहा नया मॉडल 380 आइसर 42 HP में। ये बहुत, एक वो खड़ा रेस्ट ले रहा है, फार्म ट्रक 45 50 HP। अब की बार दोस्तों इतनी भयंकर बाढ़ आई थी कि ये समझ लो वो जो पेड़ दिख रहे हैं उन्हीं के पीछे यमुना नदी है, बिल्कुल पास में ही है, चार खेत छोड़ के। और उन्हीं पेड़ों के पीछे हरियाणा लग जाता है, वो हरियाणा है, इधर यूपी है, बीच में यमुना नदी है। बाढ़ इतनी थी कि ये यहाँ पे पास में बांध है काफ़ी ऊंचा, वहाँ तक लेवल हो गया था पानी, तो खेत इतने ख़राब हो गए थे कि कहीं तो मान लो कि 10-10 फुट गहरे गड्ढे हो गए और कहीं टीले बन गए। तो इसमें तभी से पूरा गांव ट्रैक्टरों को लेकर लगा पड़ा है सार करने में खेतों को, कई दिन हो गए, कम से कम 8 दिन हो गए, 8-7 दिन हो गए होंगे लगातार करते करते, तब जाके एक सार हुए। अभी भी देख लो, इसके मुकाबले वो वाले खेत ऊंचे हैं थोड़े, और इधर वालों में जो इधर हैं, ये खड़ा है अपना फार्म ट्रक, उधर बहुत ज़्यादा रेती इकट्ठी हुई है उन खेतों में। तो ये है जी खादर का है, यहाँ पे खेती करना बहुत कठिन काम है। यहाँ पे हर 2-3 साल में ड्रामा यही रहता है कि यहाँ पे बाढ़ आ जाती है, जिसके कारण ये खेतों को लगे रहते एक सार करने में। बाकी एक पीछे अपना जंगल है, वहाँ पे बांध की व्यवस्था हो गई है जिसकी वजह से वहाँ पानी नहीं पहुँचता है, लेकिन इसमें अभी भी यमुना में सरकार को ज़रूरत है कि कोई ना कोई ऐसा बांध या कोई टक्कर लगाई जाए जिससे यमुना नदी में, ताकि सीमा भी बधे हरियाणा और यूपी की, और खेतों में भी नुकसान ना हो। बहुतों की तो ज़मीन कट के चली गई, हरियाणा की तरफ चली गई। पिछली बार मैंने वीडियो डाली थी सादा मांझे से, बताइए किसने ज़्यादा मिट्टी ली है। तो पिछली वीडियो में मुझे तो दोस्तों ये पुराना 300 आईसा ट्रैक्टर ही ज़्यादा दमदार लगा, बाकी आप बताना कमेंट में। बाकी नया जो है ना, नया जो आया है ये आईसर 380, मुझे ये इतना कोई ख़ास नहीं लगा पुराने के मुकाबले। कंपटीशन की वहाँ में सबसे ज़्यादा लोड यही ट्रैक्टर ने लियो पुराने ने। पाल कर रही है चाचा, नीचे से हैं, डरे नहीं कर रहे हैं, तो ऊपर कर लो पावे, पाम ऊपर कर लो। वीडियो चल रही है। अच्छा, तुम्हारे पिछली बारी डारी मैंने, तुम्हारे कोई ज्यादा कमेंट है, लोड तुम्हारे नहीं ज्यादा लियो सादा माजे ने। वो ट्रैक्टर अलग है भाई, वो ट्रैक्टर के लिए दो छुप के एजेंसी है, छुप के एजेंसी वाले वो हमें के भैया हमें दे बदल और जो संग रहे कहां गुणियों के हैं के नो या बदल दे। अरे नहीं भैया, आई तो वक्त काट लंदे, इतकू जमना मार गई उतकू को मार देगी, नो आई साल जमना मार जाए नो तुम ये करवा दो। हां
भाई आग तो वो पता लग रही है तो मट्टी आ रही है पूरा तो डरे निगरे नीचे अबू जान बन रही है हम पुराने में अबू जान बन रही है पुराने ट्रैक्टर में यहाँ में चले माजे बहके पल्ले में ना चले अभी कंप्यूटर उस्ताद में करंट रही है